जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस करियर एकेडमी खैरागढ़ के इस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी, कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आज क्लासेस के बाद हम लोग हिंदी की क्लासेस रखें ग्रुप डिस्कशन में। सभी तैयार हैं? यस सर। हिंदी में इसमें आज विलोम शब्द का रखे हैं, ठीक। हिंदी का तो मैं बोलते जाऊँगा, उसका आप लोग विपरीत बताते जाना, ठीक है। चलो बताओ, रिजू का क्या होता है? रिजू का वकरण, ठीक है। रीत का क्या होगा? ठीक है। रीत का क्या होगा? हाँ, रीत करके, ठीक है। एकाधिकार का क्या होगा? सर्वाधिकार। और एक का क्या होगा? एकाकी का समग्र, ठीक है। और एकत्र का क्या होगा? सर्वत्र, ठीक है। एकाग्र का क्या होगा? चंचल, ठीक है। एड़ी का छोटी। एकता का अनेकता, ठीक है। और ऐश्वर्य का क्या हो जाएगा? अनैश्वर्य। एहिक का क्या हो जाएगा? पारलौकिक, ना, ठीक है। पारलौकिक और उसी को दैहिक भी बोलते हैं। एक का क्या क्या होगा? अनैक्य, ठीक है। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक। और एकला का क्या हो जाएगा? अनेकला, ठीक है। एकला का क्या हो जाएगा? अनेकला। चलो, ओजस्वी क्या होता है? निस्तेज, ठीक है। औपचारिक का क्या हो जाएगा? अनौपचारिक। और औचित्य का क्या हो जाएगा? अनुचित्य। कठिन का क्या होता है? ध्यान रखेंगे, कठिन का क्या? सरल लेना है ना। और मुश्किल का बोलेगा तो आसान लेना है, ठीक है। और कटु का क्या हो जाएगा? मधुर। कर्मठ का आलसी, ठीक है। और कर्मण्य का अकर्मण्य। तो इसमें ध्यान देना, कर्मठ का अगर बोले तो आलसी है, और कर्मण्य का बोलेगा तो अकर्मण्य, ठीक है। कनिष्ठ का क्या होता है? वरिष्ठ, ठीक है। देखो, कनिष्ठ मतलब छोटा और वरिष्ठ मतलब क्या हो जाएगा? बड़ा, ठीक है। और कारण का क्या हो जाएगा? अकारण। और कायर का? सूरवीर, ना। कायर का क्या हो जाएगा? सूरवीर। कानूनी का? गैर कानूनी। और कुरूप का क्या होगा? सुंदर, ठीक है। का पुरुष का? पुरुषार्थी। जो देखो, का पुरुष का तीन बोलेंगे, एक तो पुरुषार्थी और वीर पुरुष और एक तो बहादुर, क्लियर है, ठीक है। कोप का क्या हो जाएगा? कृपा, ठीक है। तो कोप का क्या हो जाएगा? कृपा, या उसी को अनुग्रह बोलते हैं, ठीक है। कीर्ति का क्या हो जाएगा? अपकीर्ति, ठीक है। क्रोध का क्या होगा? क्षमा, ठीक है। जैसे क्रोध है तो वो क्या होगा उसका उल्टा? क्षमा। क्रिया का क्या होगा? प्रतिक्रिया, ठीक है। कोमल का? कठोर, ठीक है। और कुबुद्धि का? सद्बुद्धि, ठीक है। और कसूर का क्या हो जाएगा? बेकसूर। और कुल्टा का? पतिव्रत, है ना। कुल्टा का क्या हो जाएगा? पतिव्रत, ठीक है। आकुलीन का क्या हो जाएगा? आकुलीन, ठीक है। और कलुषित का? निष्कलुषित। कृष्ण का बताओ क्या होगा? शुक्र। और कृतज्ञ का क्या होगा? जो किए गए जो उपकार को मानते हैं कृतज्ञ, और जो नहीं मानते हैं वो क्या? कृतज्ञ, है ना। तो कृतज्ञ के उल्टा क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। कृपा का क्या होगा? कोप, ठीक है। कृपा का क्या होगा? कोप या अकृपा। कृत्रिम का क्या हो जाएगा? प्राकृतिक होगा, और उसी के साथ साथ नैसर्गिक भी होगा, ठीक है। और कुटिल का क्या हो जाएगा? सरल, ठीक है। कुटिल का सरल। किरण का क्या हो जाएगा? अंधेरा या छाया, ठीक है। किरण का क्या? अंधेरा या छाया। और कीमती का क्या होगा उल्टा? सस्ती। कोई भी जैसे चीज है उसका कीमती का उल्टा क्या हो जाएगा? सस्ती, ठीक है। और किरण का अंधेरा या छाया, ठीक है। किरण मतलब प्रकाश, तो उसका छाया। और ये हो गया। करुणा का क्या होगा? क्रूरता, ठीक है। करुणा का क्या? क्रूरता। खरा का क्या होगा? खोटा, ठीक है। खरा का क्या? खोटा। और खल का क्या होगा? खल, खल मतलब दुष्ट पुरुष वाला, है ना। तो उसका क्या? सज्जन, सज्जन और साधु, ठीक है। खगोल का क्या होगा? भूगोल, ठीक है। और खाद्य का? अखाद्य। खंडन का? मंडन होगा ना, ध्यान रखें। खंडन का क्या होगा? मंडन होगा। खरीद का क्या होगा? खरीद रहे, खरीद के जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? बिक्री, ना। तो खरीद का क्या होगा? बिक्री। और खेद का क्या होगा? खेद मतलब दुखी वाला, तो उसका क्या होगा उल्टा? प्रसन्नता, प्रसन्नता, या उसी क्या बोलेंगे? हर्ष करके, ठीक है। खराब का क्या होगा? अच्छा। खराब का क्या होगा? अच्छा, ठीक है। और खिलना का क्या हो जाएगा? चलो बताओ, मुरझाना। जैसे खिला है उसके बाद वो मुरझाना, फूल का, है ना। और खुला का क्या होगा? बांध हो जाएगा, ना, ठीक है। और सुखी का क्या हो जाएगा? दो। और खास का क्या होगा? आम, ठीक है। जैसे कुछ खास है, खास का क्या हो जाएगा? आम। और खाली का क्या हो जाएगा? खाली का भरा हुआ, ठीक है। और गरल का क्या होगा? सुधा या अमृत, ठीक है। और क्या है? गगन का क्या होगा? पृथ्वी, ना। गगन का क्या हो जाएगा? पृथ्वी। और गणतंत्र का? राष्ट्र, ठीक है। व्याकरण पद बताएं, ठीक है। चलो, संज्ञा कितने प्रकार का? पांच प्रकार से होते हैं। बोलो कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक, वाचक, समूहवाचक, भाववाचक, पदार्थ या निरर्थक, ठीक है। तो संज्ञा के अगर बोले तो कितना प्रकार? पांच प्रकार। देखो, पहला क्या है? व्यक्तिवाचक, व्यक्ति है तो जातिवाचक, जाति है तो समूहवाचक, और समूह है तो भाववाचक, और पदार्थ या द्रव्यवाचक।
चलो संज्ञा तो हो गया पांच प्रकार, सर्वनाम कितना प्रकार से? प्रकार से। चलो बोलो निजवाचक, संबंधवाचक। ठीक है, तो सर्वनाम अगर छह प्रकार, अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले निश्चयवाचक, तो निश्चय है तो क्या अनिश्चय, फिर निजवाचक, निजवाचक के बाद पुरुष है, पुरुष है तो प्रश्न, प्रश्न है तो संबंध। तो इस प्रकार सर्वनाम के कितने प्रकार? छह प्रकार। चलो विशेषण, विशेषण का चार प्रकार। चलो बताओ कौन कौन से? गुणवाचक, परिमाण है ना, और सर्वनामी विशेषण। तो देखो विशेषण का अगर बोले तो कितना प्रकार? चार प्रकार के। कौन कौन से? देखो गुणवाचक पहला, गुण है तो संख्या, और संख्या तो परिमाण, और परिमाण से क्या सार्वनिक विशेषण। चलो क्रिया कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा? सबको क्लियर हुआ? देखो क्रिया कितना प्रकार? दो प्रकार, एक तो अकर्मक और दूसरा क्या सकर्मक। ठीक है, धातु की बात किया जाए तो कितने प्रकार का? ठीक है, तो धातु का अगर बोले तो कितना? मूल धातु और यौगिक धातु। फिर से आ रहा हूँ ना, तो संज्ञा कितना प्रकार? पांच प्रकार। बोलो कौन कौन से? व्यक्तिवाचक। देखो याद कैसे करते अपन, व्यक्ति है तो जाति, जाति से समूह, और समूह में तो भाव, और भाव तो ठीक है, तो उसको क्या अपन पदार्थ या द्रव्यवाचक। ठीक है, सर्वनाम में कितने पर? छह। चलो इसको कैसे? ठीक है, देखो पहले निश्चय, तो फिर उसके बाद अनिश्चय, उसके बाद क्या निज वाचक। अब निज है तो फिर पुरुष है, तो पुरुष का क्या करेंगे? प्रश्न, प्रश्न का मतलब सम्मान। ठीक है, तो सर्वनाम के कितने? छह प्रकार, और विशेषण में कितना? चार। तो इसको कैसे? चलो बोलो गुण, गुण है तो संख्या, और संख्या मतलब परिमाण, और परिमाण है तो क्या सर्वनाम। तो विशेषण अपना चार प्रकार, क्रिया के हम कितने प्रकार? कौन कौन से? सकर्मक। ठीक है, और धातु में कितना? दो प्रकार, मूल धातु और यौगिक धातु। तो आज क्लास यहीं तक रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।